दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर विलियम सिडनी पॉटर, जिनको हम ओ हेनरी के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी को 1906 में पब्लिश करवाया गया था, और मैं आपको बता दूं इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी दोस्तों, उनको पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ये स्टोरी भी उतनी ही कमाल की है जितनी की और इनकी स्टोरीज कमाल की हुआ करती थी, जैसे कि गिफ्ट ऑफ द मजाय या फिर द लास्ट लीफ। इस टाइप की शॉर्ट स्टोरीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, तो ये शॉर्ट स्टोरी भी जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस वाले से, जो रात के वक्त न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहा था। बरसात हो रही थी, हवा चल रही थी, रात के लगभग 10 बजने वाले थे। ठंड और बरसात की वजह से गलियों में कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो चलता चलता अपने डंडे को ऐसे घुमा रहा था जैसे कोई पुलिस वाला नहीं सर्कस में काम करता हो। बड़ा चौकन्ना होकर वो शांत गलियों को, शांत रास्तों को देख रहा था। उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने यहाँ पर शांति बना रखी है इस एरिया में। ज़्यादातर बिजनेस प्लेसेस थे, यानी कि दुकानें बहुत ज़्यादा थी, मतलब काम के पर्पज़ का एरिया था। ये एरिया बहुत जल्दी बंद हो जाता था, दुकानें बहुत जल्दी बंद हो गई थी, बस कुछ सिगरेट स्टोर्स वगैरह खुले हुए थे। चलते चलते ये एक ब्लॉक के पास पहुंचा। वहां पर इसने चाल अपनी बहुत धीरे कर ली, एक हार्डवेयर की शॉप उसे दिखी, जिस पर एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसके मुंह में सिगरेट थी, एक सिगार टाइप की, लेकिन वो जली हुई नहीं थी। अब पुलिस वाले को अपने पास आता देखकर उस आदमी ने हड़बड़ी में उस पुलिस वाले से बात करना शुरू कर दी। वो बोला कि सर सब ठीक है, मैं तो यहाँ बस अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ, आज 20 साल बाद उसे यहाँ मिलने आया हूँ मीलों दूर से। हमारा यहाँ 20 साल पहले मिलना तय हुआ था। मुझे पता है आपको ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको बताऊँ सर, यहाँ पर बहुत लंबे टाइम पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट नाम था उस रेस्टोरेंट का। तो पुलिस वाला बोला कि हाँ, और 5 साल पहले उस रेस्टोरेंट को तोड़कर गिरा दिया गया है। अब उस आदमी ने क्या किया, माचिस से अपने सिगार को जलाया और रोशनी में उस पुलिस वाले का, उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा देखा और बाकी की चीज़ें भी दिखी। उसके स्कार्फ पिन पर एक बड़ा सा हीरा लगा हुआ था, बहुत ही अजीब तरीके से। उस आदमी ने अपनी सिगार को जलाकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया और कहा कि सर 20 साल पहले मैंने उसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ खाना खाया था, और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम दोनों इस न्यूयॉर्क सिटी में दो भाइयों की तरह बड़े हुए थे। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, उस वक्त वो 20 साल का था, मैं 18 साल का था। मुझे न्यूयॉर्क से बाहर जाना था पैसा कमाने के लिए, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, लेकिन वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था। वो समझता था कि न्यूयॉर्क से बाहर कुछ नहीं है, उसे न्यूयॉर्क से बाहर कुछ नहीं दिखता था। मैं तो न्यूयॉर्क से बाहर चला गया, वो यहीं पर रह गया। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन उसी दिन हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम दोनों आज ही की डेट पर 20 साल बाद यहीं पर आकर मिलेंगे, चाहे उस वक्त हमारी कंडीशन जो भी हो, कितनी भी दूर से हमें आना पड़े, हम यहीं पर मिलेंगे। तो उम्मीद तो है कि उसने भी अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा, मतलब अपनी किस्मत बनाकर यहाँ पर मुझसे मिलने आएगा। तो वो पुलिस वाला उसे बोलता है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी, बहुत लंबे टाइम से तुम अपने दोस्त से नहीं मिले। इतने लंबे टाइम में एक बात बताओ, तुमने उससे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, मतलब बात नहीं की उससे? तो बोला कि हाँ, एक टाइम तक हम दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लेकिन 2 साल बाद ही हम दोनों के एड्रेस चेंज हो गए, हम दोनों को एक दूसरे का एड्रेस नहीं मिला। और आप जानते हो जिस जगह पर मैं रहता हूँ, वेस्ट की तरफ, वहाँ पर मैं अपने काम में बिज़ी रहा, लेकिन मुझे पता है अगर जिमी ज़िंदा है तो ज़रूर आज मुझसे यहाँ मिलने आएगा, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का है। मैं यहाँ हज़ारों मील दूर आया हूँ, तो उसे भी आना पड़ेगा। ये कहकर उस आदमी ने अपनी एक ब्यूटीफुल सी घड़ी निकाली, बहुत ही खूबसूरत घड़ी थी, जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे डायमंड्स का एक सेट था। और बोला 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। और बोला सर एग्जैक्टली 10 बजे हम लोग रेस्टोरेंट से अलग हुए थे 20 साल पहले, वो आने ही वाला होगा। तो वो पुलिस वाला उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने काफ़ी पैसा कमा लिया है, मतलब न्यूयॉर्क से बाहर जाकर तुमने काफ़ी पैसा बना लिया है। तो बोला हाँ सर बिल्कुल,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त जिमी ने भी इसका आधा पैसा तो उसने भी बना लिया होगा। मतलब जितना मैंने कमाया उसका आधा तो उसने भी कमा लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। ये उसकी कमी भी कह लो, खासियत भी कह लो, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे बहुत ही क्लेवर लोगों से डील करना पड़ता है, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। सर मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क सिटी के लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो लोग जिस काम में लगे रहते हैं उसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ मैं गया था वहाँ पर ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, इसलिए मैंने इतना पैसा कमा लिया शायद। तो पुलिस वाले ने इतनी सारी बातें करने के बाद फिर से अपना डंडा घुमाया और कहा कि मैं तो चलता हूँ दोस्त अपने रास्ते पे, अपनी पेट्रोलिंग पर, उम्मीद है कि तुम्हारा दोस्त आ जाएगा टाइम पर। वैसे अगर वो टाइम पर नहीं आया तो तुम तो चले जाओगे शायद। तो बोला, सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आधा घंटा और वेट करूँगा, इतना दूर से आया हूँ और शायद वो किसी काम में अटक गया होगा तो थोड़ा लेट हो जाए, तो आधा घंटा और वेट करके देखूँगा उसका। पुलिस वाला गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है कि गुड नाइट सर, और वही अपनी चाल वैसे ही डंडा घुमाते हुए चला जाता है। अब लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे जेबों में हाथ डालकर उस हार्डवेयर की शॉप के पास में से, और वो बंदा हार्डवेयर की शॉप पर अपने जवानी के दोस्त से मिलने का इंतज़ार कर रहा था सिगरेट पीता हुआ। लगभग 20 मिनट तक उसने वेट किया होगा, फिर एक लंबा सा आदमी ओवरकोट पहनकर सामने वाली गली से निकलता हुआ आया जल्दी जल्दी, और इसके पास आकर इसका नाम पूछता है, बॉब। फिर ये उससे जवाब में पूछता है, जिमी। उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो बोला कि हाँ भाई बॉब ही हूँ, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। आज इतने सालों बाद तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त, बस कमी है तो उस रेस्टोरों की। अगर आज वो रेस्टोरों होता तो हम दोनों खाना खा लेते फिर से साथ बैठकर, जैसा 20 साल पहले हमने खाया था। जिमी ने उससे पूछा कि कैसे रहे तुम्हारे 20 साल न्यूयॉर्क से बाहर, तो वो बोला कि सब कुछ मिल गया दोस्त जो मांगा था किस्मत से। तुम बताओ, बहुत बदल गए यार, 2-3 दिन ज़्यादा लंबे हो गए तुम, ठीक तो हो न्यूयॉर्क में? जिमी बोला कि बस एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। फिर वो बात काटता हुआ बोलता है कि चलो बाप आगे जाकर कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सड़क पर चलना शुरू कर दिया। दोनों दोस्तों में बॉब ने काफ़ी पैसा कमा लिया था, रास्ते में चलते चलते वो डिंगे हाँक रहा था अपने पैसे के। जिमी बड़ा इंटरेस्ट लेकर उसको सुन रहा था ओवरकोट में छुपा हुआ। अब चलते चलते दवाई की एक दुकान आई, बहुत चमकती हुई, बहुत लाइटें थी उस पर, तो उस लाइट में इन दोनों ने एक दूसरे के फेस को देखा। बॉब अचानक से रुका और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, बोला मुझे लग रहा है कि तुम जिमी नहीं हो, कौन हो तुम? 20 साल एक लंबा टाइम होता है लेकिन इंसान की नाक की शेप नहीं बदलती, बताओ कौन हो तुम? वो आदमी बोला, मिस्टर बॉब आप 10 मिनट से अरेस्ट हो, शिकागो जहाँ से आप आए हो वहाँ से हमें एक टेलीग्राम आया था कि शायद न्यूयॉर्क सिटी में आप आए हो, तो 10 मिनट से आप अरेस्ट हो। अब आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत समझदारी वाली बात है। अब वो आगे बोलता है कि पुलिस स्टेशन चलते हैं मिस्टर बॉब, लेकिन इससे पहले एक लेटर आपके लिए, छोटा सा लेटर है। वो बोलता है मेरे लिए? बोला हाँ आपके लिए, आपके दोस्त जिमी ने भेजा है। अब बॉब ने लेटर खोला, उस लेटर को कांपते हुए हाथों से पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि बॉब मेरे दोस्त, मैं तुमसे टाइम पर मिलने आ गया था, बल्कि टाइम से पहले ही आ गया था, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई तो उस माचिस की रोशनी में मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, तुमको पूरे शिकागो में ढूंढा जा रहा है। मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे 20 साल पुराने दोस्त थे, इसलिए मैंने वहाँ से निकलते ही एक सादे कपड़े वाले पुलिस ऑफिसर को ढूंढा और तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा, तुम्हारा दोस्त जिमी।